आज ना हम बनाएंगे मूंगफली का सैलड। जी हाँ, मूंगफली का सैलड। इसमें बहुत सारी सब्जियां भी कूट जाएंगी, लेकिन हमारा जो मेन होगा ना वो मूंगफली ही होगा। तो शुरू करते हैं मूंगफली का सैलड बनाना। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली है। एक कप के लगभग ये पत्ता गोभी है, इसको बारीक काट लिया है। ये एक प्याज है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये एक खीरा है और ये एक टमाटर। पहले तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां एक दूसरे में पहले अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम अगर इसमें चीजें हैं वो डालेंगे। चलिए, ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। ये मूंगफली है, इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है, उसके बाद इसका छिलका उतार के इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ध्यान रहे कि पीसना नहीं है, क्रश करना है। पीसेंगे तो ये एकदम से पाउडर बन जाएगा। मूंगफली लगभग मैंने आधा कप ली है, आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मूंगफली का सैलड है तो मूंगफली ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने ये इतनी डाल दी है। ये भी मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैगी का जो आता है ना, हॉट एंड स्वीट सॉस, वो डालेंगे। ये देखिए, ये मैगी का ये वाला सॉस है, इसको हम डालेंगे। ये एक टेबल और ये दो टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ना ऑयल डालेंगे, कोई सा भी ऑयल नहीं डालना है। आप ऑलिव ऑयल डालिए, अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर को भी मेल्ट करके ये एक स्पून डाल दीजिए, इतना काफ़ी होगा। ध्यान रखिए, कोई सा भी आप ऑयल नहीं डाल देंगे, वेजिटेबल ऑयल या फिर वो सरसों का तेल या घी, कुछ भी नहीं है तो बटर या तो फिर ऑलिव ऑयल। ये अच्छे से हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, व्हाइट वाला नहीं डाल रहे हैं हम, इसमें काला नमक डाल रहे हैं। थोड़ा सा डालेंगे, अब थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आप जो हम मैगी का सॉस यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी तीखा होता है, तो बस ये हम इतना ही इसमें क्रश करके डाल देंगे। और ये थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसमें स्प्रिंकल कर ले रही हूँ, और फिर इसको मिक्स कर दूंगी। ये सैलड बनाने के बाद हमें इसे तुरंत नहीं खाना होता है, हम इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए कम से कम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और उसके बाद क्या होगा ना, जो मूंगफली है उसमें ना सारा जो वेजिटेबल्स का वाटर है सब, और जो भी हमने चीज़ें इसमें डाली है ना, वो मूंगफली के अंदर बहुत अच्छा आ जाएगा, मूंगफली सॉफ्ट हो जाएगी। तब हम इसको खाएंगे, तब इसका स्वाद बढ़िया से आएगा। अभी इसके बाद हम डालेंगे इसमें पुदीना की पत्तियाँ। ये पुदीना की पत्तियाँ मैंने ले ली हैं, थोड़ी सी, 7-8 पत्तियाँ हैं लगभग। इसको हम हाथ से ही ऐसे तोड़कर इसमें डालेंगे। हम इसमें धनिया नहीं डाल रहे हैं, पुदीना की पत्ती डाल लें, बहुत अच्छा इसका स्वाद आएगा और थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन देखने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ही इसको हम सर्व करेंगे। अब 1 घंटे हो गए हैं, अब मैं ना ये सैलड को इसमें सर्व कर लेती हूँ बॉल में। मूंगफली में अच्छे से
सारा फ्लेवर आ गया है और बहुत वो सॉफ्ट हो गई है और खाने में बहुत मज़ेदार है ये। ये ना आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको टोस्ट के ऊपर रख कर भी टोस्ट सैलेड जैसे खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं, इवन ऐसे भी खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है। अब मैं इस पे एक ये पुदीना का पत्ती रख देती हूँ गार्निशिंग के लिए। तो ये हमारा ना सैलड अब एकदम से रेडी है, देखने में तो अच्छा है ये, खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। सो प्लीज़ बनाइए आप लोग ये हेल्दी सा टेस्टी सा मूंगफली सैलड।